अब हम इस वीडियो में लिमिट्स की मैथमेटिकल डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि माना हमें एक फंक्शन गिवन है जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन अपॉन एक्स माइनस थ्री, और हमें इस फंक्शन की एक्स इक्वल टू थ्री पर लिमिट फाइंड करनी है। तो हम कैसे करेंगे, तो चलिए अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस हमें x इज इक्वल टू थ्री पर लिमिट फाइंड करनी है तो हम इसे कुछ ऐसे लिख सकते हैं। अब यदि हम इस फंक्शन के न्यूमरेटर को देखें तो वह है एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। इसे हम फैक्टराइज करके लिख सकते हैं x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री, तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हमें लिमिट फाइंड करनी है, दैट मीन्स हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड लिमिट को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब हम ये समझने वाले हैं कि लिमिट की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या होती है। सो इसका मतलब ये है कि यदि हम x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो फंक्शन कौन सी वैल्यू को अप्रोच करेगा। दैट मीन्स यदि हम x की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड से बढ़ाते बढ़ाते थ्री तक ले जाएं, यानी कि यदि हम x की वैल्यू 2.8 रखें, तो हम देख सकते हैं कि फंक्शन की डेफिनेशन से fx की वैल्यू होगी 5.8। यदि हम x की वैल्यू 2.9 रखें तो फंक्शन हो जाएगा 5.9। इसी तरह यदि हम x की वैल्यू 2.99 रखें तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 5.99। अब यदि हम x की वैल्यू 2.999 रखें तो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 5.999। तो आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि जैसे जैसे x की वैल्यू 3 की तरफ बढ़ रही है या फिर लेफ्ट साइड से 3 की तरफ टेंड कर रही है, फंक्शन की वैल्यू 6 की तरफ बढ़ती है या फिर फंक्शन की वैल्यू 6 की तरफ टेंड करती है। इसलिए हम ये कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू हमें 6 के इक्वल मिलेगी। अब इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट के मैथमेटिकल डेफिनेशन को समझेंगे। सो राइट हैंड लिमिट को हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यदि हम इसके लिए भी x एंड fx की वैल्यूज की टेबल बनाएं, तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि यदि हम राइट हैंड साइड से 3 को अप्रोच करें, दैट मींस हम x की वैल्यू घटाते घटाते 3 तक ले आए, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। यानी कि यदि x की वैल्यू 3.2 है तो फंक्शन की वैल्यू होगी 6.2, यदि x की वैल्यू है 3.1 तो फंक्शन की वैल्यू होगी 6.1, x की वैल्यू यदि हम 3.01 रखें तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी हमें 6.01। इसी तरह यदि हम x की वैल्यू 3.001 रखें तो फंक्शन की वैल्यू मिलेगी 6.001। तो यहां से आप देख सकते हो कि जैसे जैसे x की वैल्यू राइट हैंड साइड से 3 की तरफ टेंड करती है तो फंक्शन की वैल्यू 6 की तरफ टेंड कर रही है। दैट मींस यहां से भी हम देख सकते हैं कि जो RHL है या राइट हैंड लिमिट है उसकी वैल्यू हमें 6 के इक्वल मिलेगी। एंड अब आप यहां से क्लियरली देख सकते हो कि हमें LHL एंड RHL की वैल्यू इक्वल मिली है, इसलिए हम ये कहेंगे कि एट x इज इक्वल टू 3 पर गिवन फंक्शन की लिमिट 6 के इक्वल होगी। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको लिमिट्स का मैथमेटिकल डेफिनेशन अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। सेम एग्जाम्पल को हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं। गिवन फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, लेकिन जो गिवन फंक्शन है वह x इज इक्वल टू 3 पर डिफाइन नहीं है, इसलिए यहां एक होलो सर्कल आएगा। सो अब यदि हम 3 पर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करें तो हम देख सकते हैं कि जो फंक्शन की वैल्यू है वह 6 की तरफ अप्रोच करेगी, दैट मीन्स LHL हमें 6 मिलेगा। अब यदि हम 3 की तरफ राइट हैंड साइड से अप्रोच करें तो भी हम ग्राफ से देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 6 की ही तरफ अप्रोच करेगी, दैट मींस RHL भी 6 के इक्वल मिलेगा, और हम कहेंगे कि गिवन फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 3 पर लिमिट 6 के इक्वल होगी।